अच्छा फरजाना बीबी, आपके साथ ये जो मामला हुआ है, ये क्या सारा मामला हुआ है? ये भाई सर, मैं तो बाहर प्लाट च गया थपदी सी, मुंडा लगदा टपदा हुंदा सी, सिर नाल दा मुंडा है, लगदा टपदा छेड़दा हुंदा सी, छेड़ छुड़ के जाति करन दी कोशिश कीती सो, गला दबाया सो, ते आ निशान शुन भी गलत आ गए ने, कपड़े कुपड़े मेरे फाटे हुए ने, मैं घर नठी हां, नट के बाहर गली च सारे जनानियां बीबियां इकट्ठियां हो गईयां ने, सारे बंदे बुंदे, मैं पुलिस वाले नूं फोन कीता, 15 ते कॉल कीती है, करके पुलिस आई है, फड़ के लै गई है मुंडा, रास्ते च छुड़ी गया, उन्हें पैसे दिते ने पुलिस वालिया नूं, वो मुंडा छुट गया है, ते हुण धमकियां देण दा, उत्थे मेरा बंदा लाहौर काम करदा है, उत्थे गया है, ते उत्थे धमकियां देण दा, धमकियां दे के ते बहुत सानूं जलील कर रहे ने, बहुत परेशान करदे, पर असीं बहुत माड़े बंदे हैगे आ, ते सानूं इंसाफ चाहीदा है। ते आपका मेडिकल आपका हुआ है? हाँ जी, माड़ा माड़ा होया है मेडिकल भी। जी नाजरीन, ये फरजाना बीबी बगटेरा दूधकोट की रहशी है, थाना वारबरनी से लगता है। ये देखें, एक पुलिस वाले के बेटे ने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए शोर शराबा किया, फिर भी इसके गले पड़ गया और उसे मारने की कोशिश की। तो थाना वारबड़न में आज 4-5 दिन हो गए हैं एप्लीकेशन दी हुए, लेकिन अभी तक इनकी दादरसी नहीं हुई, और मेडिकल जो है ना वो भी थाना वारबड़न में आ गया, लेकिन मुलजम क्योंकि बासर है, उसका बाप पुलिस में है और उसका खावंद लाहौर में काम करता है, वो लाहौर में कांस्टेबल है या कोई और उसका अहदा है पुलिस में, वहाँ जाकर उन्होंने उसके खावंद को धमकियाँ भी लगाई हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन ना उठाई तो हम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो ये गरीब औरत इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये देखें, एक मजलूम औरत अपने इंसाफ के लिए कैसे दर बदर है। इसकी ये छोटी सी बच्ची भी है, तो हमारी आला काम से अपील है कि इस बच्ची फरजाना बीबी की दाद रसी की जाए और इसे इंसाफ फराहम किया जाए।